हेलो दोस्तों, अगर आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो आप अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको YouTube की तरफ से कस्टम URL का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं कस्टम URL के बारे में कि कस्टम URL क्या होता है, आप अपने YouTube चैनल पे कस्टम URL को कैसे सेट कर सकते हो, आपको YouTube पे कब कस्टम URL का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और आपको फिर भी कस्टम URL का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए ताकि आपको कस्टम URL का ऑप्शन देखने को मिल जाए। अगर जानना चाहते हो इन्हीं सब चीजों के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद कस्टम URL से रिलेटेड आपके मन का सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जसवीर यादव और आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कस्टम URL क्या होता है। जब आप YouTube पे चैनल बनाते हो तो आपको कुछ इस तरह का URL देखने को मिल जाता है। इस तरह के URL जो होता है वो आपके YouTube चैनल पे बाय डिफॉल्ट सेट होता है। इस तरह के URL को आप जल्दी आसानी से याद भी नहीं रख सकते हो। उससे पहले बात कर लेते हैं अगर आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया तो आप किस तरह कस्टम URL को सेट कर सकते हो। अपने YouTube चैनल पे कस्टम URL को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल चर्म को ओपन करना है। गूगल चर्म को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको YouTube का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा या आप यहाँ पे सर्च करके YouTube को ओपन कर सकते हो। YouTube को ओपन करने के बाद आपको इस 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट को चुन लेना है। डेस्कटॉप साइट को चुनने के बाद आपको अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको योर चैनल पे क्लिक कर लेना है। योर चैनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा कस्टमाइज चैनल, आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देते हो उसके बाद आपको बेसिस इन्फो पे क्लिक कर देना है। इस इन्फो पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कस्टम URL। अगर आप अपने YouTube चैनल के नाम को चेंज करना चाहते हो तो ऐड लेटर और नंबर पे क्लिक करके आप अपने YouTube चैनल का नाम को चेंज कर सकते हो। वैसे हम इस नाम को चेंज नहीं करने वाले हैं तो इसलिए इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको पब्लिक का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको पब्लिक पे क्लिक कर देना है। पब्लिक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक कर लेते हो तो आपके YouTube चैनल पे कस्टम URL सेट हो जाएगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इस कस्टम URL को आसानी से याद रख सकते हो। तो इस तरह आप आसानी से अपने YouTube चैनल पे कस्टम URL को सेट कर सकते हो। अगर आपके YouTube चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है और आपको फिर भी कस्टम URL का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। जब मेरा भी YouTube चैनल पे 120 सब्सक्राइबर पूरा हो गया था तो हमको भी YouTube पे कस्टम URL का ऑप्शन देखने को नहीं मिला था, तो हमने इसके लिए YouTube टीम को ट्वीट किए। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देख सकते हो, कुछ इस तरह से हमने YouTube टीम को ट्वीट किए। YouTube टीम की तरफ से हमें रिप्लाई आया, उसके बाद हमें YouTube टीम की तरफ से कस्टम URL का ऑप्शन को भेज दिया गया। अगर आपके चैनल पे भी 100 सब्सक्राइबर पूरा हो गया और आपको फिर भी कस्टम URL का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा तो आप YouTube टीम को ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद YouTube टीम की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा, उसके बाद आपके चैनल पे कस्टम URL का ऑप्शन को इनेबल कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो के साथ।